जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पर। तो टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास विजय सीरीज़ के चलते एसएससी जीडी की नैया पार लगाने के लिए, तो है ना, कल की क्लास में हमने पिछली क्लास में, अच्छा जिसने वो जो क्लास नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो पहले ज़रूर वॉच आउट करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में जो हमने टाइप उड़ाई थी, ए कुछ दिनों में करता है, ठीक है, बी कुछ दिनों में काम को करता है, कुछ दिनों में ए करता है, कुछ दिनों में बी काम को कर देता है, तो बताइए अगर दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। साथ में फिर अगले टाइप हमने कवर कौन सी करी थी, ए काम शुरू करता है, बी काम शुरू कर, दोनों साथ काम शुरू करते हैं, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी आपको पता है, और उसके बाद आपसे कहा जाता था, उसके बाद आपसे कहा जाता था कि अगर दो दिन के बाद ए चला जाता है या बी चला जाता है, यानी कि कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई भी व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा दोस्त, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो प्रकार का सवाल जो हमने टैकल किया था, तीसरे प्रकार का सवाल था कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों ए और बी अगर मिलकर काम करें तो कुछ दिनों में काम को निपटा सकते हैं, बी अकेला काम करे या ए अकेला करे तो इतने दिन में निपटा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ए कितने दिन में करेगा या बी कितने दिन में करेगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं, उनके भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क में दोस्त आगे आज बढ़ते हैं, अब ध्यान देना शुरू करिएगा पहले प्रकार के सवाल, उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। मैंने आपसे कहा था कल कि ए किसी काम को शुरू करता है, बी भी उसी काम को शुरू करता है, कुछ दिन बाद उनमें से कोई भी चला जाता है, यानी कि व्यक्ति काम छोड़कर कब जा रहा था, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद जा रहा था, ठीक है। अगर मैं अब आपसे बोलूं, ठीक है, कि काम ख़त्म होने के एक दिन पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले ए चला गया या फिर बी चला गया, उस केस में सवाल कैसे करने होते हैं। जैसे आपके लिए सवाल है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए दोनों ने कितने दिन साथ मिलकर काम किया। इस प्रकार के सवाल देखिए, कुछ नहीं करना है दोस्त, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ए की जो एफिशिएंसी है ना भाई वो 6 दिन है, ए काम को 6 दिन में कर सकता है, लेकिन वहीं पर जो बी जो है वो काम को उड़ा सकता है 8 दिन में, ठीक है, बी जो है वो काम को 8 दिन में कर सकता है। पहला काम दोनों का एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम की वैल्यू होगी ना, वो होता क्या है असल में दोस्त, वो टोटल वर्क होता है, वही टोटल वर्क होता है, यानी 6 और 8 का एलसीएम। उसका भी तरीका आपको बताया था, उसका तरीका क्या बताया था, बड़ा नंबर उठाइए, बड़ा नंबर है 8, 8 की टेबल शुरू करिए, 8 एकम 8, क्या 6 की टेबल में 8 आया, नहीं आया, 8 दूनी 16, क्या 6 की टेबल में आया, नहीं आया, 8 3 24, 6 की टेबल में 24 आया, बिल्कुल आ गया सर, 6 चौके 24 होता है, पहला तरीका। एक तरीका ये जो चौथी क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, देखिएगा 2 से उड़ाइए, 2 3 6 2 चौके 8, ठीक है, 3 से 1 बार में 4 नहीं जाएगा, 3 से, उसके आगे जब जाओगे तो दोस्त 2 दूनी 4, 1 तो एज इट इज़, ठीक है, फिर आगे चलिए 2 एकम 2, देन 1, नीचे 1 1 आया, इनको मल्टीप्लाई कराइए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 3 बार आया है, यानी 2 का क्यूब 8, 8 का 3 गुना 24, 24 आपके पास एलसीएम आ गया। ये तरीका नंबर 2। अब तीसरा तरीका, अगर यही सवाल आपको उड़ाना है, एलसीएम कैसे लेंगे, अब ज़रा देखिए 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिखेंगे, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं, 8 जो होता है ना सर वो 2 का क्यूब होता है, क्यूब का मतलब 2 को 3 बार खुद आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अब जो कॉमन आया है वो क्या आया है, कॉमन आया है 2, ठीक है भाई। उसके बाद और जो कॉमन नहीं आया, क्या ये 3 कॉमन है, नहीं है सर, क्या ये 2 कॉमन है, नहीं, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 भी अलग से लिख लिया, ठीक है, ये 2 कॉमन है, नहीं सिर्फ यहाँ है, 6 के फैक्टर्स में तो है ही नहीं भाई, ठीक है, तो 2 फिर से लिख लिया, फिर वही काम, 2 3 बार आया है, यानी 2 का क्यूब 8, 8 का 3 गुना 24, 8 का 3 गुना
24। ये एलसीएम लेने के कुछ तरीके हैं। आपको स्मार्ट अगर इस प्रकार के छोटे नंबर दिए हैं तो आप टेबल के थ्रू जाइए, ठीक है भाई। एलसीएम होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों जो नंबर हैं या तीन नंबर जितने भी नंबर दिए हों उनमें कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन गुणांक होना चाहिए, ठीक है मल्टीपल। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है मल्टीपल, ठीक है, एक होता है फैक्टर। मल्टीपल जैसे मैं बोलूँ दो के मल्टीपल क्या है, सर दो का मल्टीपल चार है, छः है, आठ है, दस है, बारह है, ऐसे, ठीक है। फैक्टर अगर मैं पूछूँ तो दो के यानी कि सिर्फ दो है, या एक से एक, मतलब फैक्टर जो होता है यानी कितने ऐसे नंबर है जिनकी टेबल में वो नंबर आता है या उनसे कटता है, दो से और एक से ही कटता है ना, दो से और एक से ही कटता है, यानी फैक्टर तो लिमिटेड आते हैं, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं ना उनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये अनंत होते हैं। ये मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस है, ठीक है। अब ज़रा आगे देखिए, थोड़ा सा और बेसिक बताता हूँ आपको। जैसे छः और आठ हमने एलसीएम लिया है, जैसे छः के मल्टीपल क्या होंगे, छः के मल्टीपल बारह होंगे, अट्ठारह होगा, चौबीस होगा, ठीक है। आठ के मल्टीपल क्या होंगे, सोलह होगा, चौबीस होगा, यानी चौबीस वो छोटे से छोटा नंबर आया है जो दोनों में कॉमन मल्टीपल है, जो दोनों में कॉमन मल्टीपल है, यही एलसीएम होता है भाई, ठीक है। अब आगे ज़रा आइए, एलसीएम आया चौबीस, ये एलसीएम है क्या, ये चौबीस यूनिट जो है ना ये टोटल काम है भाई, ये टोटल वर्क है जो करना है ए और बी को। और छः और आठ क्या है, ये तो दिन है यानी टाइम जो लग रहा है, यानी जो टाइम लग रहा है इनको काम करने में, जो समय लग रहा है। अब जो ए है उसको काम कितना करना है, 24 यूनिट काम करना है, 24 यूनिट काम करना है ए को, लेकिन वो करता कितने दिन में है, वो 6 दिन में करता है भाई। 24 काम उसने किया, 6 दिन लगा दिए, एक दिन में कितना किया होगा, तीन काम किया होगा। ऐसे ही सेम बी के साथ, बी को 24 काम करना था, करना शुरू किया, 8 दिन के बाद आके कहता है कि काम जो है वो पूरा हुआ, एक दिन में कितना काम किया होगा, सॉरी 6 ने किया होगा 4 यूनिट एक दिन में, और 8 ने किया होगा 3 यूनिट काम एक दिन में, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करें तो देखिए भाई, ए की जो एफिशिएंसी है ना वो है 4 यूनिट, ये एफिशिएंसी इनकी कार्यक्षमता, ए की 4 यूनिट, बी की 3 यूनिट, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 7 यूनिट काम एक दिन में निपटा देंगे, बिल्कुल निपटा देंगे। अब कहता है कि है ना, होता है क्या कि काम खत्म होने के जस्ट 2 दिन पहले ए चला गया। अब ध्यान से समझना, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए चला गया, यानी कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए चला गया, बचा कौन, बी बचा सर, यानी कि लास्ट के 2 दिन काम किसने किया होगा, सिर्फ बी ने किया होगा। अब बी जो है 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो लास्ट के 2 दिन में इसने कितना काम निपटा दिया होगा, बोलेंगे एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में काम कर दिया होगा 6 यूनिट, यानी कि लास्ट के 2 दिन में काम कितना हुआ है, 6 यूनिट काम हुआ है, लेकिन टोटल काम कितना था, टोटल काम था 24 यूनिट, 24 यूनिट में से 6 यूनिट काम जो है वो ए ने निपटा दिया, वो बी ने निपटा दिया, क्योंकि ए चला गया था, तो बचा कितना सर, 18 यूनिट काम बचा होगा, यानी कि 18 यूनिट काम किसने किया, 18 यूनिट काम दोनों ने किया है, क्योंकि जब 18 यूनिट काम हुआ ना तो ये जो ए है ये गया नहीं था भाई, ये गया नहीं था, तो ये 18 यूनिट काम किसने किया होगा, ये दोनों ने किया होगा। एक दिन में कितना काम करते होंगे दोनों मिलके, 7 यूनिट काम करते होंगे, 18 यूनिट काम एक दिन में, 7 यूनिट काम कितना समय लिया होगा, 7 × 14 और 4/7 दिन, यानी 2 सही 4/7 दिन जो है ना इन दोनों ने साथ में मिलके काम किया है, 2 सही 4/7 दिन में दोनों ने साथ काम किया है। ये पूछ ले काम खत्म होने में कुल समय कितना लगा, भाई ये साथ मिलके तो इन्होंने 2 सही 4/7 दिन काम किया, और लास्ट के 2 दिन फिर किसने काम किया, बी ने काम किया, यानी कि 2 दिन इसमें और ऐड कर दीजिए, 2 और 2 4 यानी 4 is to 4/7 डेज, ठीक है, इतने दिन में भाई काम जो है वो समाप्त हो गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक और सवाल देखिए, अब मैं आपसे कहता हूँ ए जो है वो काम को 12 दिन में, बी जो है काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए चला जाता है, तो बताइए दोनों ने कितने दिन तक साथ काम किया। ए करता है काम को 12 दिन में, बी करता है काम को 15 दिन में, और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, भाई काम कितना करते हैं ये सबसे पहले तो ये पता लगाइए, दोनों काम कितना करते हैं, 12 और 15 का एलसीएम, ठीक है। एक तो तरीका वो है 12 15 लिखोगे, 3 से काटते चले जाओगे, ठीक है,
ऐसा काम आपको तो दोस्त करना नहीं है। आपको करना क्या है, बड़ा नंबर उठाइए 15, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 60 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ए करता है 5 यूनिट काम एक दिन में, बी करता है 4 यूनिट काम एक दिन में, मिला के अगर करेंगे तो 9 यूनिट काम एक दिन में निपटा लेंगे। काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए चला गया, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए चला गया तो काम किसने किया होगा, सर बी ने किया होगा, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट काम अगर ये कर सकता है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 8 यूनिट काम कर दिया होगा। 2 दिन में काम कितना, 8 यूनिट कर दिया होगा, लेकिन काम है कितना, काम है 60 यूनिट। 60 यूनिट में से 8 यूनिट काम इसने निपटा दिया, 60 यूनिट में से 8 यूनिट काम निपटा दिया तो बचा कितना, 52 यूनिट काम बचा। 52 यूनिट काम किसने किया होगा, उस समय ए गया नहीं था, यानी ए और बी दोनों साथ में थे, यानी उस दौरान तो पूरे दिन में 9 यूनिट काम हो जा रहा था, उस दौरान तो पूरे दिन में 9 यूनिट काम हो जा रहा था। 52 यूनिट काम दोनों ने मिलकर किया होगा ना, यानी कि एक दिन में 9 यूनिट काम हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से उड़ाइए, 9 5 45, 9 6 54, तो 9 5 45 बचा कितना, 7 बचा बटे 9, 5 सही 7 बटे 9 दिन दोनों ने साथ काम किया। और ये पूछ ले काम खत्म होने में समय कितना लगा, काम खत्म होने में समय कितना लगा, काम खत्म होने में समय कितना लगा, 5 सही 5 बटे 7 दिन दोनों ने मिलके, और 2 दिन ये लगे हैं, 5 और 2 5 और 2 5 और 2, 7 सही 7 बटे 9 दिन जो है ना वो काम को खत्म होने में लगे हैं भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे, ठीक है। अब देखो आगे जो सवाल बनते हैं, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे भाई। देखो अब मैं आपको कहता हूँ ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने में और सी कितने में, ठीक है। अब आपसे सवाल जो है वो क्या कहता है, सवाल कहता है कि ए है और बी है, ये अगर मिलकर काम करें तो काम होगा 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। और अगर बी और सी मिलकर काम करें तो काम 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और सी और ए अगर मिलकर काम करें तो 20 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 20 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं, पहला काम एलसीएम लीजिए, 12 15 20, 12 और 15 का अभी अभी तो लिया था, 60 आया था, ठीक है। क्या 20 की टेबल में भी 60 आता है, हाँ जी सर आता है, यानी 60 ही क्या है, एलसीएम है, ठीक है। 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 3 60, ठीक है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना हो पाएगा भाई, 5 और 4 9 और 3, 12 यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा। ये 12 यूनिट काम किसने किया है, ए जमा बी जमा बी जमा सी जमा सी जमा ए, इन 6 लोगों ने मिलकर काम किया है, ए जमा बी जमा बी जमा सी जमा सी जमा ए बराबर 12, 12 यूनिट काम करते हैं 6 मिलकर। अब ध्यान से देखना भाई, ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, यानी हर एक व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ है। आप क्या करेंगे, आप 2 को कॉमन ले लेंगे भाई, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ए जमा बी जमा सी बराबर 12, इतना तो आपको जानकारी है। 2 इस तरफ अगर गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो ऐसे यहाँ पे लिख दिया, 2 से 12 6 बार में चला जाएगा, यानी ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 यूनिट है, ठीक है। ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 यूनिट है, ठीक है। ए बी और सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। पहला पार्ट आपसे पूछता है तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, काम कराना है 60 यूनिट, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा तीनों मिलकर, 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है, 10 दिन का टाइम लगेगा। दूसरा पार्ट आपसे पूछता है ए अकेला कितने दिन में, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में, ठीक है। अब उसके लिए आपको ए बी और सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए भाई, देखना ज़रा, ए जमा बी जमा सी की एफिशिएंसी 6 यूनिट है अगर मिलकर काम करें तो, ठीक है। आपको ए की पता करनी है, यहाँ देखिए
बी और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते रहे हैं, ठीक है। बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो 4 यूनिट करते हैं, यानी बी और सी की तो वैल्यू 4 है, ठीक है। यानी ए बी सी अगर मिलकर काम करें तो 6 यूनिट, बी और सी 4 यूनिट, 4 इस तरफ जमा का है, दूसरी तरफ जाएगा तो घटेगा, 6 में से 4 गया, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है, और काम कितना कराना है, 60 यूनिट काम कराना है, 60 दो से कटेगा तो 30 दिन में ए जो है अगर अकेला करेगा तो काम को ख़त्म कर लेगा। उसी प्रकार अगर बी का पूछें, बी की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, ए और सी अगर मिलकर काम करें तो 3 यूनिट काम करते हैं, ए और सी की वैल्यू है 3 यूनिट, इस 6 में से 3 काम तो किसका है, ए और सी का है, बी का कितना बचा, 3 यूनिट बचा, बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है, लेकिन काम तो 60 यूनिट कराना है, ठीक है, 3 से 60 जाएगा तो 20 बार में यानी 20 दिन में जो है बी अकेला काम को कर देगा। सी अकेला कितने दिन में करेगा भाई, सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी अगर मिलकर काम करें तो 5 यूनिट काम करते हैं, यानी 6 में से 5 काम तो ए और बी का है, सी का कितना बचा, सी का तो एक यूनिट बचा, काम कितना कराना है, 60 यूनिट काम कराना है, यानी सी अगर काम करेगा तो 60 यूनिट काम 60 दिन में करेगा, क्योंकि एक दिन में एक यूनिट काम कर पा रहा है, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपको टैकल कर देने हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 25 दिन में करते हैं, तो बताइए वे मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, और तीनों अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। भाई ए और बी मिलकर करें तो करते हैं 15 दिन में, या 15 ना लेकर आप यहाँ पर ले लीजिए भाई 20 ले लीजिए, ठीक है, 20 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर यहाँ पर काम कर दे रहे हैं 25 दिन में, ठीक है, 20 25, और सी और ए मिलकर मान लिया 30 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको लेना है क्या, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लोगे 20 25 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या आया भाई, जल्दी से देखते हैं, 5 से 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 2 पे आइए, 2 2 4, 2 3 6, 5 नहीं जा रहा है, दोनों तीनों प्राइम नंबर है, यहीं के यहीं गुना कर लीजिए, ठीक है। 2 2 4, 4 5 20, 20 5 100, 100 3 300, यानी एलसीएम कितना आया, 300 इनका एलसीएम आ गया, यानी कुल जो काम है ना वो 300 यूनिट है, क्या आया, इधर एलसीएम आ गया आपके पास, 300 यूनिट आया है एलसीएम, 300 यूनिट जो है वो टोटल काम है, ठीक है। 20 दिन में काम ख़त्म करते हैं ए और बी, 300 यूनिट काम करना है, कितना टाइम लेंगे भाई, 15 दिन ही तो लेंगे, ठीक है, 25 250 होता है, यानी कि 12 यूनिट काम करेंगे बी और सी मिलकर, यहाँ से जो है 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तीनों अगर मिल, अब अगर इनकी एफिशिएंसी को मिला दें, ए और बी 15 काम, बी और सी 12 काम, सी और ए 10 काम, ठीक है, तो कितने दिन में लेंगे, कितने दिन में ये काम को, कितना यूनिट काम एक दिन में कर पाएंगे, इनको ऐड करिए 5 और 2 7, यानी 37 यूनिट काम जो है ये कर देंगे भाई। काम कौन करेगा 37 यूनिट, ए बी बी सी सी ए, यानी ए जमा बी जमा बी जमा सी जमा ए, ठीक है, ये काम करेंगे 37 यूनिट, ए ए सी सी बी बी, हर बंदा 2 बार रिपीट हुआ है, 2 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा, ए जमा बी जमा सी बराबर है 37। अब इस तरफ किस में है, मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, 2 से उड़ाइए, 2 1 2, 2 8 16.5 या 18 सही 1/2 ले लीजिए, 18 सही 1/2 ले लीजिए, यानी ए बी सी और मिला, ए बी और सी के मिला की एफिशिएंसी है 18 सही 1/2, ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या होगी, बी और सी की मिला के एफिशिएंसी है 12, यानी कि 18.5 काम में से 12 काम तो किसका है, बी और सी का है, ए का कितना बचा, ए का बचा 6.5, ठीक है, 6.5 बच गया भाई, ठीक है, 6.5 बच गया, या फिर आप यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट आधा लिख लो, आधे को आप 5.5 से भी दिखाते हो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी, ठीक है, ये ए की एफिशिएंसी,
बी की एफिशिएंसी कितनी आई, सी और ए मिलके 10 काम करते हैं और काम 18.5 होता है अगर तीनों मिलकर करें। सी और ए यानी इस 18.5 में से 10 काम तो सी और ए का है, बी का कितना बचा बोलेंगे 8.5 काम बच गया भैया। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए और बी 15 यूनिट काम करते हैं लेकिन अगर सी भी मिल जाए तो 18.5 होता है, यानी सी का क्या योगदान रहता है 3.5 का रहता है। अब चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछता है तीनों मिलकर काम कितना करना है, 300 यूनिट काम करना है और तीनों मिलकर काम करें तो एफिशिएंसी कितनी है 18.5 है। ठीक है, मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लेके चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 दिए 15, 3 बचा 5, 7 35, 5 31, 0 0 यानी कि 600/37 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट, ए कितने दिन में करेगा, भाई काम कितना करना है 300 यूनिट काम करना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8.5 है, पॉइंट हटाया ऊपर चली गई जीरो, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा 5, 7 35, 5 से काटेंगे तो 600 बार में यानी 600/17 दिन में कौन काम को कर देगा, ए काम को कर देगा। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे पूछ ले बी अकेला काम को कितने दिन में कर देगा, बी काम कितना कराना है, भाई काम तो सेम है 300 है लेकिन बी की एफिशिएंसी है 8.5। ठीक है, अच्छा 8.5 में हमने या भाई ए का लिख लो, इसे ए का लिख, हाँ सॉरी बी का लिख लो। ठीक है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 8.5, ए कितने में करेगा 6.5। ठीक है, यहाँ पर ए ले लीजिए, ठीक है, ए की एफिशिएंसी है 6.5, पॉइंट हटाया ऊपर जीरो चली गई, 5 से छोटा करिए इसको, 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 600 बार में जाएगा यानी कि 600/13। ठीक है, वहीं पर अगर सी को आप देखो, काम कितना कराना है, काम तो वही है 300, सी की एफिशिएंसी है 3.5। ठीक है, पॉइंट हटाया ऊपर जीरो चली गई, 5 का 7 गुना 35 और ये तो 600 बार में जाएगा, 600/7 दिन में सी जो है वो इस काम को अगर अकेले करेगा तो ख़त्म कर देगा। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, देख लीजिएगा इस सवाल को। उसके बाद अगले टाइप पे आते हैं, बस दो सवाल और करेंगे इस क्लास में भाई। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब आपके लिए सवाल है, मैं कहता हूँ भाई ए जो है ना वो किसी काम का एक बटे तीन भाग 10 दिन में कर देता है और बी उसी काम का 50% भाग 15 दिन में कर देता है, तो दोनों अगर मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूँ ए जो है ना भाई वो किसी काम का एक बटा तीन भाग जो है ना वो 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी जो है वो किसी काम का 50% भाग जो है ना वो 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों अगर मिलकर काम करें, समझने की बात है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, ए किसी काम का एक बटा तीन भाग, नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है यानी कुल काम 3 यूनिट है लेकिन उस काम में से एक यूनिट काम करता है ए और 10 दिन में कर देता है। अब सोचने वाली बात है, एक यूनिट काम 10 दिन में करता है, पूरा काम 3 यूनिट है तो कितना टाइम लेगा, बोलेंगे 30 दिन लेगा, एक यूनिट 10 के बराबर तो 3 यूनिट 30 के बराबर, यानी कि ए अगर अकेला काम को करे, पूरा काम अगर करे तो 30 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, और वहीं बी 50% का मतलब होता है आधा काम भाई, या फिर आप 50% को फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन में बदलते हैं कैसे, 100 से भाग लगा के, 50 का 1 गुना 50, 50 का 2 गुना 100, यानी 50% की बजाय आप अगर 1/2 भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कुल काम है 2 यूनिट लेकिन एक यूनिट काम बी कर पाता है। ठीक है, एक यूनिट काम 15 दिन में होता है, कुल काम 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट काम कितने दिन में होगा, सर 30 दिन में ही तो होगा, 30 दिन में ही तो होगा, 30 और 30 का एलसीएम कितना आया, 30 आ गया, यानी एक यूनिट काम ये करता है, एक यूनिट काम ये करता है, दोनों मिलके अगर करेंगे तो 2 यूनिट काम कर पाएंगे। ठीक है, काम कितना कराना है, 30 यूनिट काम कराना है, एफिशिएंसी है दोनों की मिला के 2 यूनिट, तो काम कितने दिन में होगा, 15 दिन में ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा भाई। ठीक है, एक और जल्दी से इसी प्रकार का सवाल देखते हैं, इसको आप देख लीजिएगा।
मैं कहता हूँ ए किसी काम का 3/5 भाग, ए किसी काम का 3/5 भाग 5 दिन में कर पाता है, ठीक है। ए किसी काम का 3/5 भाग जो है वो 5 दिन में कर पाता है, 5 दिन में कर पाता है, ठीक है। और बी किसी काम का 20% भाग, 20% भाग जो है वो भाई मैंने मान लिया 4 दिन में कर पाता है, ठीक है, 4 दिन में कर पाता है। तो बताइए दोनों मिलकर अगर काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से देखना, नीचे टोटल काम कितना है भाई, 5 यूनिट है, करता कितना है 3 यूनिट काम करता है, यानी 3 यूनिट अगर 5 के बराबर है, थोड़े से आंकड़े हैं ना, थोड़े से गलत हो जाएंगे, गलत तो क्या, वैसे तो सही है भाई, अगर एक ले लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो डेसिमल में आ जाएगा। 1 यूनिट काम जो है 5 दिन में होता है, लेकिन टोटल काम 5 यूनिट है, 1 यूनिट काम 5 दिन में करना है, 5 यूनिट काम, 1 यूनिट 5 दिन में, तो 5 यूनिट 25 दिन में हो पाएगा, ठीक है। यानी ए अगर अकेला काम करे पूरा काम तो 25 दिन लेगा भाई, तो 25 दिन लेगा। और वहीं पर अगर बी आ जाए और सारा काम करे 20%, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाइए, यानी कि 100 से भाग करिए, 20 एकम 20 और 20 5 100, 1/5 ही आया है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 परसेंटेज में, और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 20% की बजाय अगर 1/5 भी लिख लो तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बी जो है 1/5 काम 4 दिन में करता है, ठीक है, एक यानी कुल काम तो है 5 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट काम करता है 4 दिन में, भाई 1 यूनिट काम करता है 4 दिन में, तो 5 यूनिट काम, 5 यूनिट काम कितने में करेगा, ये कितने गुना हुआ है 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना कर दीजिए, 4 × 5 = 20 होता है, यानी ए बी जो है वो 20 दिन में करेगा, बी की जो एफिशिएंसी है वो 20 दिन की है। ए अगर 25 दिन में करता है तो बी करता है 20 दिन में, ठीक है। मिला के कितना काम है, कितना इनका एलसीएम 100 होता है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, 125 की टेबल में और 20 की टेबल में भी आता है, और सबसे छोटा नंबर, वैसे 200 ले लो, 300 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी वही आएगा। 25 का 4 गुना 100 होता है, 20 का 5 गुना 100 होता है, मिलकर करेंगे, ए करेगा 4 यूनिट, बी करेगा 5 यूनिट, मिलके करेंगे तो 9 यूनिट काम कर पाएंगे। कराना कितना है, 100 यूनिट काम कराना है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी है 9 यूनिट, तो कितना टाइम लेंगे भाई, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 सही, 1/9, ठीक है, दिन, ठीक है, 11 सही, 1/9 दिन का समय लेंगे अगर मिलकर काम करेंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।